तो हे फ्रेंड्स, आज मैं इस वॉल पेंट करने वाली कलर से पेंटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं हमारा सारा जो ब्रश है ये सब मैंने ले लिया है। इस ब्रश का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारा पेंटिंग बोर्ड, मतलब जिस बोर्ड पे हम पेंटिंग करेंगे। तो गाइस, चलिए हम हमारा पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पेंटिंग शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, चलिए हम हमारा पेंटिंग शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही शानदार सा पेंटिंग करके दिखाऊंगा, और वो है टू लव बर्ड्स। मतलब आज का जो पेंटिंग है वो एक बहुत ही शानदार सा, एक रोमांटिक सा पेंटिंग होगा, जहाँ पर दो शानदार सा लव बर्ड्स एक पेड़ के ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है ये बहुत ही सिंपल तरीके का पेंटिंग है। तो देखिए, पेंटिंग करने से पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, जो बैकग्राउंड है वो मैंने सबसे पहले पेंट कर दिया, ताकि हम इसके सामने जो बर्ड्स है वो हम आसानी से पेंट कर सकें। तो गाइस, आपको भी, आप अगर बिगिनर्स हैं तो आपको भी ऐसा ही करना होगा। जब आप कोई नेचर पेंटिंग करते हो तो जो दूर का चीज़ है ना, वो आपको सबसे पहले पेंट कर लेना होगा, ताकि जब आप पास का जो चीज़ है वो पेंट कर ले तो उसमें आप कोई भी दिक्कत ना हो। नहीं तो आप जो पीछे का चीज़ है, मतलब जो दूर का चीज़ है, वो अगर पहले ना पेंट कर रहा होता तो बैकग्राउंड को पेंट करने में आपको बाद में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आपको बैकग्राउंड सबसे पहले पेंट कर लेना होगा। तो देखिए, बैकग्राउंड मैंने बहुत ही सिंपल सा, जो आसमान है मतलब स्काई ब्लू कलर, वो मैंने दे दिया है। और जहाँ पर मैं बर्ड्स को पेंट करूँगा, मतलब दो बर्ड्स जहाँ पर बैठा हुआ है उसके पीछे मैं थोड़ा सा लाइट किया हो, ताकि जो बर्ड्स है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, तो गाइज, ये जो पेंटिंग है ना, ये बहुत ही सिंपल तरीके का पेंटिंग है। तो जो लोग बिगिनर्स है, जो लोग अभी अभी नया नया पेंटिंग को सीख रहा है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को, मतलब इस पेंटिंग को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मतलब आप तो इतना तक तो देख ही चुके हैं, अभी करीब 2.5 मिनट हो गया है, तो यहाँ तक आप देख ही चुके हैं। तो इसके लिए आप इस पेंटिंग को लास्ट तक देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस पेंटिंग को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी पेंटिंग सीखने में, क्योंकि इस पेंटिंग में मैं बहुत ही ऐसा ऐसा तरीका आपको दिखाया हूँ जो कि आपको बहुत सारा पेंटिंग में देखने को नहीं मिलेगा। और वो जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, ये जो बर्ड्स मैं आपको आज पेंट करके दिखा रहा हूँ, ये बर्ड्स भी बहुत ही शानदार सा एक बर्ड्स है। ठीक है, मतलब बर्ड्स एक ऐसा चीज़ है जो कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा प्राणी है जिसको हर कोई पसंद करता है। तो इसीलिए आज मैं दो बहुत ही शानदार शानदार बर्ड पेंट कर रहा हूँ, और वो लव बर्ड है। मतलब लव बर्ड ने, ये मतलब दो बर्ड, दो बहुत ही शानदार सा बर्ड पास बैठा हुआ है। तो ऐसा देखकर हम इंसान ये कहते हैं कि ये लव बर्ड्स है। ओके, तो जो भी हो, बर्ड्स पेंट करना मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, और बर्ड्स पेंटिंग के ऊपर मेरा एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, और वहाँ पर बहुत ही शानदार शानदार सा बर्ड्स मैंने पेंट कर रखा है। तो आप भी अगर बर्ड्स पेंटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं, आप भी अगर बर्ड्स पेंट करना सीखना चाहते बहुत तरीके का, तो आपको भी वो प्लेलिस्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए। मेरे चैनल पर वो प्लेलिस्ट है, ठीक है, आप वो एक बार जाके ज़रूर देखना, वहाँ पे आपको बहुत तरह का बर्ड्स पेंटिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए, ये जो दो बर्ड्स है ना, ये एक पेड़ का ब्रांच है उसके ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन आपको मैंने इसके पहले बोला था कि जो दूर का चीज़ है वो आपको पहले पेंट करना होगा। तो ये जो बर्ड्स
जिस पेड़ के ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है वो तो इसके पीछे है, तो वो मैंने पहले पेंट क्यों नहीं किया। देखिए, वो भी मैं इसके पहले पेंट में कर सकता था, लेकिन जो पेड़ का जो ब्रांच है ना, वो मेरे को ब्लैक कलर से सबसे पहले पेंट करना होता था। और जब उस ब्लैक कलर के ऊपर, मतलब उस ब्रांच के ऊपर जब मैं ये बार्ट को पेंट करता था, तो वो जो ब्लैक कलर है उसके ऊपर मान लीजिए ये पक्षी का जो कलर है, मतलब जो पीला कलर, ओके, ग्रीन कलर, ये जब मैं उस ब्लैक कलर के ऊपर से देता था तो अब ये उतना अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए सबसे पहले मैं इस बार्ट को पेंट कर लिया, उसके बाद हम इस पेड़ के जो ब्रांच है, मतलब जो टहनियाँ है, वो हम पेंट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये जो बार्ड है ये हमको सबसे पहले कंप्लीट करने रहा होगा। तो देखिए, लगभग मैं इस बार्ड को कंप्लीट मैंने कर दिया है, अभी और थोड़ा बाकी है फिनिशिंग करना, ठीक है। तो आप ये जो बार्ड पेंटिंग मैं कर रहा हूँ, आपको अगर ये समझ में ना आया हो तो इस पेंटिंग को आप दोबारा से देख सकते हैं। और इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत सारा बार्ड्स पेंटिंग है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आज मैं जो कलर से पेंटिंग कर रहा हूँ वो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया कि ये जो कलर है ये वॉल पेंट करने का जो कलर है वो ये है। लेकिन इसको जो मैं पेंट कर रहा हूँ ना, ये जो बार्ड में पेंट कर रहा हूँ, इसका जो तरीका है ये एक्रेलिक जैसा है, ठीक है। मतलब आपके पास अगर एक्रेलिक कलर है, आपके पास अगर ऑयल कलर है, फैब्रिक कलर है, तो आप उस कलर से ऐसा पेंटिंग कर सकते हैं। मेरे पास ये वॉल पेंट करने का कलर है, मतलब पहले से था, और इसी कलर का मैं यूज़ ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारा कलर्स का यूज़ होता है, तो इसीलिए मैं एक बार में बहुत सारा कलर्स खरीदता हूँ। और एक्रेलिक कलर का जो प्राइस है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसी कलर का यूज़ करता हूँ। तो आप भी अगर चाहे तो इस कलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कलर एक साथ में ख़रीदने से आपको बहुत ही प्राइस पड़ जाएगा। जैसा कि ये जो पहले मैं आपको दिखा जो डिब्बा है वॉल पेंट करने का, वो एक एक डिब्बा का जो प्राइस है वो करीब 500 से 600 रुपये का है, और मेरे पास वैसा ही 12 से 15 डिब्बा है, तो वो मैंने एक साथ में ख़रीद लिया था, जब मैं उसको ख़रीदा था एक साथ में, तो मेरे को करीब 8000 से 9000 रुपया पड़ा था। तो इसीलिए आप अगर उसको एक बार में ख़रीद सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जो छोटा छोटा डिब्बा आता है एक्रेलिक का, एक्रेलिक पेंटिंग का, ठीक है, आप उसको खरीद सकते हैं, ओके। लेकिन जो टेक्निक है, मतलब जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से मैं पेंट कर रहा हूँ वो एक्रेलिक ही है, और ये जो कलर है ये एक्रेलिक जैसा ही है, इसीलिए मैं एक्रेलिक जैसा ही पेंट करता हूँ। मेरे इस चैनल पर जितने वीडियोस है वो उसमें से सबसे ज़्यादा एक्रेलिक स्टाइल में ही मैं पेंट करता हूँ, ठीक है। और कुछ वीडियो है वाटर कलर का, लेकिन इससे पहले जो कलर मैं यूज़ करता था जो कि नेचुरल पाउडर कलर होता है, अर्थ कलर, उसमें भी मैं एक्रेलिक टेक्निक ही यूज़ करता हूँ। तो देखिए, हमारा ये जो पेंटिंग है इसमें जो बर्ड है, मतलब दो बहुत ही क्यूट सा शानदार सा जो बर्ड है वो मैंने पेंट कर दिया है। तो देखिए, जो दो बार्ड है वो मतलब दिखने में बहुत ही शानदार सा और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो बार्ड पेंट करने के बाद ये जो पेड़ है, इसको जो टहनियाँ है ये मैंने पेंट कर दिया है, और उसके बाद पेड़ में जो पत्तियाँ है पेड़ का वो भी मैंने पेंट कर दिया है, और उसके बाद पेड़ में जो फ्लावर्स है कुछ मैंने फ्लावर्स भी दे दिए, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही आपको बताया ये जो पेंटिंग है बहुत ही रोमांटिक सा पेंटिंग होता है, तो इसीलिए इसमें अगर कुछ फ्लावर्स हम दे देंगे ना तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये फ्लावर्स हम दे दिया है, और ये जो पेड़ का जो टहनियाँ है इसको भी हम थोड़ा बहुत हाईलाइट कर दिया है ब्राउन कलर से। तो इसके बाद देखिए, हमारा ये जो पेंटिंग है ये लगभग कंप्लीट हो गया है।
तो गाइस यही थी हमारे आज की पेंटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से जाकर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।